Hello there. This part of the muscle contraction is called as excitation contraction coupling. अभी तक जो हमने मसल फिजियोलॉजी में पढ़ा, सबसे पहले हमने मसल्स फर्स्ट पार्ट में पढ़ा आपके मसल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मसल्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। दूसरे पार्ट में हमने मसल्स के माइक्रो एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मसल्स थिक फिलामेंट कैसे बने होते हैं, थिन फिलामेंट कैसे बने होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा कि स्लाइट फिलामेंट थ्योरी के बारे में और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बारे में। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ये जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है, इट एक्सप्लेन्स कि जो मसल्स है वो हमारे मोटर न्यूरॉन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मोटर न्यूरॉन जैसे ही कोई इम्पल्स आता है, नर्व इम्पल्स आता है मोटर न्यूरॉन में, वो मसल्स के ज्वाइंट तक पहुंचता है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। तो जैसे ही ऊपर से इम्पल्स आता है, नर्व इम्पल्स, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का उद्दीपन। तो जैसे नर्व का एक्साइटेशन होता है, उसी तरह नर्व टर्मिनल जहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो मसल्स में स्टिमुलेशन जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो कपलिंग कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में स्विच है, आप जैसे स्विच ऑन करते हो आपका बल्ब जल जाता है। तो स्विच को जो ऑन करने का प्रोसेस है उसको हम एक्साइटेशन का कह सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन है और कपलिंग, कपलिंग मतलब जोड़ना, तो लाइट का जलना को आप कॉन्ट्रैक्शन समझ सकते हैं। तो जैसे स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई, ये कपलिंग है। सो एक्साइटेशन भी ऐसा है, जैसे हमने एक्साइट किया वैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। सो इसको मोटर न्यूरॉन के विषय में मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बता चुका, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि जो मोटर न्यूरॉन है, इट सेल्फ दिस नर्व दैट सप्लाइज टू द मसल इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन आके करते क्या है, इसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल्स मेक्स इट जॉइंट विद द मसल फाइबर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द मसल फाइबर, इंड्यूसर मसल फाइबर। वो मसल फाइबर में नर्व और मसल का एक जंक्शन है, दैट इज कॉल्ड इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वेरी स्पेशल। हाउ? बिकॉज यहां से जो एक्साइटेशन आएगा नर्व से, वो एक्सॉन टर्मिनल पे जाके एंड होगा। कैसे करके, एक डायग्राम से हम देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। सो दिस इज द न्यूरल टर्मिनल, जो ये अपर वाला पोर्शन है डायग्राम का, दिस शोज द न्यूरल टर्मिनल। जो ब्लू लाइन है, इट इज शोइंग द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, और इसके बीच में जो गैप है, इट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इस जंक्शन के जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, इस टर्मिनल के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इस वेसिकल इज फुल ऑफ एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन इज ए हार्मोन, और जैसे यहाँ पे एक्साइटेशन आता है, यानी कि इम्पल्स आता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो पहले भीतरी पोर्शन में, यानी कि इंटीरियर एरियाज में रहते हैं, इट मूव्स टू द टूवर्ड्स द पेरिफेरल एरिया। सो व्हेन इट मूव्स टू द पेरिफेरल एरिया, इट फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजेस इट्स कंटेंट इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जैसे ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है, इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर ऑन द सोडियम चैनल। इस सोडियम चैनल का नाम है लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। लाइगेंड क्या है इसमें? एसिटाइल कोलाइन। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, इस एरिया में बहुत सारा सोडियम रहता है, लेकिन विदाउट एनी गेट इट कैन नॉट एंटर्स इन टू द मसल्स। सो ये सोडियम की एंट्री कैसे होती है? एसिटाइल कोलाइन जैसे ही सोडियम चैनल पे बाइंड होता है, इट अलाउज द एंट्री ऑफ सोडियम फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इन टू द मसल्स एल ट्यूब्यूल, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल। इफ यू रिमेंबर द सेकंड लेक्चर, वहां पे मैंने एल ट्यूब्यूल एंड टी ट्यूब्यूल की बात करी थी, और उसके ऊपर रिसेप्टर्स की भी बात करी थी। सो इतना याद रखना है कि यहाँ पे जैसे एसिटाइल कोलाइन बाइंड होता है, सोडियम की एंट्री होती है। ये एसिटाइल कोलाइन वापस रिसाइकल होके एक्सॉन टर्मिनल में वापस ले ली जाती है। वो रिसाइकल कैसे होता है? एसिटाइल कोलाइन पहले ब्रेक डाउन होता है, किसमें? एसिटाइल एंड कोलाइन में। तो जैसे एसिटाइल कोलाइन रिसाइकल होता है, तो एसिटाइल एंड कोलाइन इज री अपटेकन by the presynaptic terminal of the axons, and within this terminal it is being resynthesized। जो कोलाइन है, ये कोलाइन वापस एसिटिक एसिड के साथ जुड़ के एसिटाइल बन जाते, तो एसिटाइल यहाँ से आया, कोलाइन यहाँ से आया, एसिटाइल कोलाइन वापस सिनेप्टिक साइकिल में चला गया। और यहाँ से जो सोडियम आया, दैट सोडियम क्रिएटेड एन एक्शन पोटेंशियल। लेट सी वॉट दिस एक्शन पोटेंशियल इज डूइंग इन द डाउन स्ट्रीम पाथवे में। तो डाउन स्ट्रीम पाथवे में आप यहां से समझ सकते हैं, जो मैं जॉइंट अभी तक बता रहा था वो ये जॉइंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ नीचे ये मसल फाइबर है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है। तो एक्सॉन टर्मिनल में एक इंपल्स आया, इंपल्स जब यहां पहुंचता है, तो यहां पे सोडियम चैनल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, बाहर से अंदर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम चैनल होता है। तो जैसे यहां पे डीपोलराइजेशन होता है, ये पेरिफेरल वेसिकल है, इट मूव्स टू द
एंटीरियर वेसिकल मूव्स टू द पेरिफेरी, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, अंदर से भीतरी पोर्शन से पेरिफेरल बाहर पोर्शन से पोर्शन की तरफ आता है एंड फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजेस एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन क्या करता है, सोडियम चैनल से बाइंड करता है, सोडियम चैनल क्या करता है सोडियम को अंदर आने देता है, तो इससे क्या होगा एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सो यहाँ पे जो मसल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल्स का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कौन सा ट्यूबुल है, एल ट्यूबुल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबुल। वो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबुल से क्या हो रहा है, ये जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स है वो पास हो के कहाँ पहुंचना है, टी ट्यूबुल में। और यहाँ पे जो एसिटाइलकोलाइन है वो एक एक्सॉन टर्मिनल में करीब 300,000 एसिटाइलकोलाइन होती है, और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट की डिस्टेंस की बात करते तो ये 20 to 30 नैनोमीटर की होती है। और यहाँ पे जो आपके विसाइकल है वो एक विसाइकल में करीब 5 to 20,000 एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड रहते हैं, जो कि हेल्प कर रहे थे क्या, यहाँ पे सोडियम की एंट्री के लिए। सोडियम एंट्री हुआ तो क्या हुआ, ये आके एल ट्यूबुल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, वो ट्रेवल होके कहाँ पहुंचा, टी ट्यूबुल में। लेट सी टी ट्यूबुल में क्या होता है। टी ट्यूबुल में आने से यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं टी ट्यूबुल में, कौन सा, डी एच पी यानी कि डाई हाइड्रो पाइरिडीन रिसेप्टर। सो जो डी एच पी रिसेप्टर होता है वो कौन सा चैनल होता है, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल, सोडियम को अंदर आने देता है। जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो यहाँ पे उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म के अंदर ही उस सेल के अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक रिसेप्टर है जो कि वोल्टेज सेंसिटिव आउटवर्ड कैल्शियम चैनल है, और वो कौन सा चैनल का नाम क्या है, रायनोडिन रिसेप्टर। सो रायनोडिन रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं, उससे क्या होगा, कैल्शियम इज गेटिंग रिलीज्ड। सो कैल्शियम जब रिलीज होगा, सो कैल्शियम डजिंग व्हाट, डूइंग व्हाट, इट गोइंग एंड बाइंडिंग विद द थिन फिलामेंट्स ट्रोपोनिन। सो ट्रोपोनिन में मैंने आपको माइक्रो एनाटॉमी क्लासेस में बताया कि ट्रोपोनिन में तीन बाइंडिंग साइट होती है, एक होती है उसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट, एक होती है इनहिबिटरी साइट, और एक होती है मायो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ने के लिए। सो जैसे कैल्शियम की बाइंडिंग होती है ट्रोपोनिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मायोसिन जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर वो छुपे हुए हैं, जैसे कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है सो ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट होने से क्या होगा, इसकी जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये ओपन हो गई, और जो मायोसिन का हेड है उसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, तो ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो जैसे ही अटैच हो जाएगा तो इसमें एटीपी और पीआई वो बाहर वापस चले जाते हैं, तो इससे एक पावर स्ट्रोक बन जाता है, और पावर स्ट्रोक होने से मसल का टोन बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट डज इट कम, एटीपी, एटीपी आके क्या करेंगे, मायोसिन हेड के ऊपर बाइंड किया, एंड मीनवाइल जब यहां से एक्शन पोटेंशियल और नहीं आया तो यहां से जो कैल्शियम रिलीज हुआ वो वापस चले जाता है। कैसे ये वापस जाता है, एक चैनल है जिसका नाम है सरका। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कहा था माइक्रो एनाटॉमी क्लासेस में कि यहाँ पे एक सरका चैनल है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस चैनल है जो कैल्शियम को वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर देते हैं। सो इस तरह से एक साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस है। तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या कहता है, जैसे ही नर्व ने एक्साइट किया वैसे ही मसल ने इस स्टेज में जाके कॉन्ट्रैक्शन किया। सो दिस इज कॉल्ड इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इस जो स्टेप्स मैंने अभी बोला इसको मैं एक कार्टून के थ्रू भी आपको दिखाना चाहूंगा। सो व्हाट डज इट डू, जैसे यहाँ पे एक नर्व टर्मिनल में एक्शन पोटेंशियल आता है, इट अलाउज एंट्री ऑफ मोर सोडियम आयंस, एंट्री ऑफ मोर सोडियम आयंस मीन्स मोर डिप्लोराइजेशन, एंड व्हेन इट रीचेस टू सर्टेन थ्रेशोल्ड फिर ज्यादा नंबर ऑफ कैल्शियम के लिए चैनल ओपन हो जाते हैं, तो ये ज्यादा डिप्लोराइजेशन करता है, मोर डिप्लोराइजेशन कॉजेस। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मोर डिप्लोराइजेशन जो पोटेशियम चैनल्स है दैट ओपन्स अप एंड कैल्शियम चैनल्स गेट्स क्लोज्ड। इससे क्या होगा, यहाँ पे अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल होने से जो वेसिकल है सिनेप्टिक वेसिकल्स दैट मूव्स फ्रॉम द सेंट्रल एरिया टू द पेरिफेरी। सो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, जैसे यहाँ पे डिप्लोराइजेशन आया ये सिनेप्टिक वेसिकल्स वहां से मूव करके नीचे की तरफ पेरिफेरी में आ गया, जैसे पेरिफेरी में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये फ्यूज होके इट रिलीजेस व्हाट एसिटाइलकोलाइन, कहां रिलीज किया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और कितना एक इंपल्स, अगर जैसे यहां से एक इंपल्स आया नर्व से तो 100
25 vesicle तक रिलीज हो सकते हैं, और जो नॉर्मल कंडीशन है वहां पे एक या दो vesicle है वो रिलीज होते हैं नॉर्मली टू मेंटेन द मसल टोन. जैसे आप लेटे हुए हो तब भी मसल का एक टोन मेंटेन करना होता है, सो दैट इज बीइंग मेंटेन बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस synaptic vesicles acetylcholine. ये 1-2 है, जब impulse आएगा 125 हो जाएगा. Now यहाँ पे जब आया तब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है receptor, कौन सा, ligand gated sodium channel. So ligand gated sodium channel will bind with the sodium channel and it will open up the entry of sodium ions. So ये जो cartoon है आप देख सकते हैं यहाँ sodium ions है, इसकी entry होना नीचे हो गया. So entry हो गया तो कहाँ गया, ये वही L tubule से T tubule. So जैसे ही वहां टी ट्यूबुल में पहुंचा, उससे जाके पहुंचा कहां पे, डीएचपी रिसेप्टर, डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर. वहां से क्या हुआ, वो रायनोडिन रिसेप्टर में गया, इंपल्स रायनोडिन रिसेप्टर गया. तो क्या किया उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज किया. कैल्शियम रिलीज होने के बाद किसमें बाइंड होता है, ट्रोपोनिन से. तो ये स्लाइड जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये ट्रोपोनिन के साथ अगर कैल्शियम बाइंडिंग होता है तो क्या होगा. तो सिंपली ये एक कार्टून डायग्राम है जो कि थिन फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि ये ट्रोपोमायोसिन है, ये एक्टिन मॉलिक्यूल है जो इसमें पिंक एरिया देख रहे हैं, ये पिंक एरिया इज मायोसिन बाइंडिंग एरिया ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, और जो ये रेड देख रहे हैं आप ये ट्रोपोनिन है. ट्रोपोनिन में तीन बाइंडिंग साइट्स मैंने आपको बता के रखा, एक बाइंडिंग साइट जो इसमें अटैच होता है मायो ट्रोपोमायोसिन के साथ, दूसरा होता है इनहिबिटरी साइट होता है, तीसरा होता है कैल्शियम साइट. तो जैसे ही वहां से कैल्शियम रिलीज हुआ, ये बाइंड होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट से. जैसे ही बाइंड हुआ तो क्या करेगा, ये जो एरिया है इट विल having a conformational change. Conformational change का मतलब उसका shape थोड़ा सा change होगा, और change कैसे होगा, twist होगा. So twist होगा तो क्या होगा, ये जो head है अभी myosin से दूसरी तरफ है छुपे हुए, वो change होगा. कैसे, look through this cartoon diagram, कि ये जो पहले छुपा हुआ था ऊपर की तरफ, वो नीचे आ गया, और नीचे यहाँ पे क्या है, दूसरे thick filament में myosin head. So myosin head क्या करता है, immediately it gets attached with the actin molecule. So जैसे actin molecule के साथ bind हुआ तो यहाँ पे ADP और PI ये दोनों चले गए, तो power stroke का generation होता है. So this is what this twisting called. Now I'm going to summarize all this aspect. जैसे मैंने आपको उसी diagram में बताया, impulse came, released acetylcholine opens up the ligand gated sodium channel, comes the impulse or depolarization. It depolarization travels through the L tubule, यानी कि longitudinal tubule. It reaches to the T tubule. T tubule के यहाँ पे कौन सा receptor है? DHP receptor. DHP receptors ने impulse को pass on किया कहाँ पे? इसके nearby sarcoplasmic reticulum में. Sarcoplasmic reticulum के ऊपर जैसे impulse आया, वो impulse एक voltage sensitive क्या channel है? Ryanodine. Ryanodine ने क्या release किया? Calcium. Ryanodine channel ने कैल्शियम रिलीज किया. कैल्शियम आके कहां बाइंड हुआ? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन ट्विस्ट हुआ, जैसे मैंने अभी इमीडिएटली दिखाया, जैसे कैल्शियम बाइंड हुआ ट्रोपोनिन ट्विस्ट हुआ. ट्विस्ट होने के बाद इसमें एक्टिन और मायोसिन का बाइंडिंग हुआ. बाइंडिंग होने से एडीपी और पीआई रिमूव हो गए और पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ. उसके बाद एटीपी आया, इसी के साथ बाइंड हुआ, इसने रिलीज कर दिया. मीनवाइल अगर इंपल्स नहीं आया तो ये कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला गया. किसके थ्रू? एक पंप. वो पंप का नाम क्या है? सरका. सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज पंप. और ये इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टोर का काम करता है कैल्शियम का. तो जब भी इंपल्स आएगा वो इट विल स्टिमुलेट दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज द कैल्शियम. रिलीज ऑफ कैल्शियम विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन बाइंडिंग विद द ट्रोपोनिन एक्टिन मॉलिक्यूल का जो थिन फिलामेंट है जिसमें कि ट्रोपोमायोसिन मेन है, जो ट्विस्ट करता है और एक्टिन हेड को ओपन कर देता है मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए. और बाइंड छुड़ाता कौन है? एटीपी. सो इस तरह से एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है. नाउ जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, बट देर इज ए माइनर डिफरेंसेस. जो आपने स्ट्राइटेड मसल्स देखा उसमें देखा कि जो मायोसिन और एक्टिन मॉलिक्यूल का हेड है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग एरियाज में है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है उसमें मायोसिन तो बहुत ज्यादा में है, एक्टिन मॉलिक्यूल कम है, और उसका जो ज्वाइंट है मायोसिन और एक्टिन का जो टचिंग एरिया है वो भी लेस है. सो वो लेस होने की वजह से जब भी एक्साइटेशन होगा जितने एरिया में एक्टिन और मायोसिन हेड आपस में जुड़ सकते उतने में ही ट्विस्ट हो सकती है. इसीलिए ये हर जगह ट्विस्ट नहीं होगी, उतने ही एरिया में जहां पर एक्टिन और मायोसिन का हेड जुड़ सकते हैं वहां पर ही पावर स्ट्रोक क्रिएट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ये हुआ ब्रीफली स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन. अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दो टाइप से होते हैं. एक होता है उसका टोन. टोन का मतलब उसका पावर, और दूसरा होता है उसका लेंथ.
सो इसके बेसिस पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन दो टाइप्स का होता है. एक होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स का टोन इज ऑल्सो चेंजेस एंड लेंथ इज ऑल्सो चेंजिंग. और टोन का मतलब उसका स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ इज ऑल्सो चेंजिंग एंड लेंथ इज ऑल्सो चेंजिंग. दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स. एंड दीज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन एज कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. अनदर इज एक्सेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. और सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज आइसोमेट्रिक. एज द नेम इज इंडिकेटिंग आइसो मतलब सेम, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ. सो वेन ओनली मसल टोन इज चेंजिंग विदाउट चेंजिंग द लेंथ, दैट इज कॉल्ड इज आइसोमेट्रिक. सो लेट्स बिगिन विद द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइसोटोनिक. सो पहला जो टाइप है दैट इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जब मसल्स को हम छोटा करते हैं विद द पावर. जैसे आप हाथ में एक पत्थर उठाए नीचे से और इसको नीचे से उठा के अपने बॉडी की तरफ ले आए, तो आप क्या कर रहे होते हैं, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर रहे होते हैं. सिमिलरली इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं. ये मसल बोन है जो टेंडन के थ्रू जुड़ा हुआ है मसल्स के साथ, और पीछे आपका हाथ समझ लीजिए. तो इससे जैसे आपने पकड़ा इसको आपने खींच के छोटा किया. सो छोटा करने से क्या हुआ, इसका जो लेंथ है मसल्स का, आप यू कैन सी मसल लेंथ इज डिक्रीज्ड. सो चेंजेस इन मसल लेंथ. टोन भी चेंज हुआ, इसका पावर भी देख सकते हैं, मसल्स का टोन भी चेंज हुआ. सो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप हाथ से पकड़ के बोरी उठाएं, जो नीचे भारी बोरी है हाथ से पकड़ के ऊंचा जगह पे रखना चाहे तो आप हाथ को छोटा करते हो मसल्स को, तो इस तरह के हम कहते हैं कंसेंट्रिक. दूसरा होता है एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक में मसल्स का टोन भी चेंज होता है बट इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है. जैसे आप समझे सब्जी का बैग आप हाथ से पकड़े, तो सब्जी का बैग भारी होगा तो आपका हाथ खींच के नीचे की तरफ ले जाएगा, सिंपली ऐसा ही है. या फिर जैसे आप डंबलिंग करते हैं, सो डंबलिंग जब आप करते हो डंबल्स को पकड़ के क्या कर रहे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते, जब नीचे ले जाते तो आपका मसल का एक्सटेंशन हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है. दैट काइंड ऑफ एलोंगेशन इज नोन एज एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सो जैसे आप लाइब्रेरी से बुक निकालते हो ऊपर रैक से नीचे की तरफ ले गए तो हाथ के मसल्स लंबे हो गए, दैट इज कॉल्ड इज एक्सेंट्रिक. नाउ कमिंग टू द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन, इट चेंजेस द टोन ओनली, द लेंथ दैट इज मीटर, मीटर मीन्स लेंथ, रिमेन्स सेम. जैसे एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, आप एक पत्थर की दीवार को हाथ से खींचने धक्का देने की कोशिश करें तो आपका हाथ तो ना लंबा होगा ना छोटा होगा, लेकिन आप प्रेशर बहुत देते हैं. सो वो प्रेशर देने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आप टोन फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. नाउ दिस आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो लेंथ मिलती है, जो पावर मिलती है, दैट स्ट्रेंथ कम्स विद द सार्कोमेयर लेंथ. सार्कोमेयर का मतलब क्या हुआ, वन जेड लाइन से अनदर जेड लाइन के बीच का लेंथ. सो यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको समझाना चाहूंगा कि कितना लेंथ सार्कोमेयर का हो कि मैक्सिमम टेंशन हमको मिले, फोर्स हमको मिले. तो जो ये एक्स एक्सिस है यानी कि नीचे लाइन, ये लाइन इज शोइंग द लेंथ ऑफ सार्कोमेयर. सार्कोमेयर क्या है अभी बताया, जेड लाइन टू जेड लाइन का लेंथ. और जो ये वाई एक्सिस है ये रिलेटिव फोर्स बता रहे हैं, तो वन इज द मैक्सिमम फोर्स, रिलेटिव फोर्स जो होता है. सो यहाँ पे आप सार्कोमेयर का डायग्राम बना हुआ है, कैसे आप यहां देख सकते हैं, थिक और थिन फिलामेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एक जेड लाइन है एक दूसरा जेड लाइन है, इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है 1.27. अगर इतना होगा तो रिलेटिव फोर्स इज ऑलमोस्ट 10% ओनली, इतना अगर सार्कोमेयर का लेंथ हुआ. बट सार्कोमेयर का लेंथ अगर थोड़ा सा बढ़ गया 1.27 से 1.67, सो ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहां से लेके ये लेंथ है, ये सार्कोमेयर का लेंथ है जो ग्रीन किया हुआ है लाइन. सो ये लेंथ व्हाट डज इट डू, इट एनहांसेस द रिलेटिव फोर्स फ्रॉम 10% टू ऑलमोस्ट 80%. और इसमें अगर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए 1.95 से 2.25 तक, तो ये मैक्सिमम रिलेटिव फोर्स 1 तक दे सकते हैं. बट अगर यही सार्कोमेयर का लेंथ 3 माइक्रोमीटर हो जाए तो इसका जो फोर्स है इट रिड्यूसेस अराउंड 45%, यानी कि ज्यादा सार्कोमेयर का लेंथ इज नॉट हेल्पफुल. और इसका लेंथ अगर और भी बढ़ गया तो फिर वापस कम ही फोर्स मिलेगा. सो कम ही फोर्स मिलेगा इसमें. नेक्स्ट है आपका रिगर मोर्टिस. रिगर मोर्टिस इज ए कंडीशन विच इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर द डेथ. सो रिगर का मतलब होता है स्टिफ, कड़ा. मोर्टिस का मतलब होता है मौत. सो मौत के बाद जो बॉडी कड़क हो जाती है उसको रिगर मोर्टिस कहते हैं. आपने कभी गांव में रहते हैं तो जंगलों में आपने देखा होगा कोई पक्षी अगर मर के रह गई तो उसकी बॉडी एकदम
कड़क हो जाती है, और पुराने बहुत पुरानी बॉडी है तो वो फिर सॉफ्ट हो जाती है। तो जो कड़क स्टेज में आपको बॉडी मिलती है उस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। इसमें किसमें हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है किसी इंसान की अगर डेथ हो गई तो हम बता सकते हैं कि कितनी देर पहले डेथ हुई होगी। सो डेथ कितनी देर हुई पहले हुई है, इसके बहुत सारे प्रकार है जिसके बेसिस पे देर आर डिफरेंट मैथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिक्लेयर द टाइम ऑफ डेथ, बट इनिशियल 36 आवर्स ऑफ द डेथ can be predicted on the basis of rigor mortis. Let's see, rigor mortis is observed only in the case of death. ये जिंदा इंसान में rigor mortis नहीं होती है, जिंदा इंसान में tetanus होता है, so tetanus के बारे में अगले के lecture में बात करेंगे। जो rigor mortis is happens because ATP formation stopped after the death and ATP is required to remove the binding of actin and myosin molecules. अगर इन दोनों की बाइंडिंग हटाए नहीं तो मसल वैसे ही की वैसे ही बाइंड स्टेट में रहेगा, यानी कि टोन बढ़ के स्टिफ कंडीशन में रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड इज रिगर मॉर्टिस एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द मायोसिन हैड रिमेंस अटैच विद द एक्टिन मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस बाइंडिंग इट रिमेंस स्टिफ एंड इट कॉल्ड इज रिगर मॉर्टिस एंड इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द डेथ अप टू 24 आवर्स. So how it happens? So through that cross-brace cycle diagram, I can again use this. So initially at the stage one, what happens is that at the resting, muscles remains relaxed. I'm talking about first the living condition. Muscle remains in the relaxed condition. When calcium is released, it opens up the myosin binding site on the actin molecule. As a result of that, myosin and actin molecule ka head bind hota hai. Usse kya hoga? Power stroke create hota hai. Aur ATP aake, ye रिमूव कर देता है दोनों की बाइंडिंग को और अगेन रिलैक्स कंडीशन होता है। दिस इज व्हाट इज नॉर्मल इन द लिविंग कंडीशन। एट द कंडीशन ऑफ डेथ व्हाट हैपेंस इज दैट एटीपी आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो इन केस ऑफ द डेथ इट रिमेंस इनटू ए बाउंड स्टेट ऑफ दिस एक्टिन एंड मायोसिन हेड। सो ये मसल्स को स्टिफ कर देता है, लेकिन ये जो स्टिफनेस होता है वो इमीडिएटली नहीं आती। व्हाई? आपको मैंने पहले जैसे एनर्जी सोर्स के बारे में बताया, सो एनर्जी सोर्स है इमीडिएट एटीपी कौन प्रोवाइड करता है? यस, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। सो और ये कब तक करता है? 10 सेकंड तक। अगले 3 मिनट तक कौन करता है? एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और 3 मिनट से लेके आवर्स तक कौन कर रहा होता है? एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जो मसल्स में मैंने आपको बताया कि देयर इज ए हीमोग्लोबिन बाउंड विद द मसल प्रोटीन इज कॉल्ड इज मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन का एक स्टोरेज बना हुआ रहता है एंड दैट ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड स्लोली आफ्टर द डेथ। सो व्हेन दिस डेथ अकर this rigor mortis is not immediately observed, it has the three different stages. One stage, first stage ko the start of the rigor mortis, phir onset when rigor mortis is observed, then completion of rigor mortis, fourth stage is resolution of rigor mortis. To char stages mein rigor mortis hai, start hai, onset hai, completion hai aur resolution, yani ki खात्मे की ओर। सो ये जो डायग्राम है, ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू हम आपका अटेंशन चाहेंगे। जो लोअर पैनल है, दिस लोअर पैनल इज शोइंग द टाइम इन द एक्स एक्सिस एंड द साइड पैनल इज शोइंग द अमाउंट ऑफ रिगर मॉर्टिस। सो इनिशियली कोई रिगर मॉर्टिस नहीं होती है। व्हाट हैपेंस जब डेथ हुई होती है, इमीडिएटली जो एटीपी सोर्सेज है वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट या एनारोबिक ग्लूकोज प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए जो मसल्स का बाइंडिंग है एक्टिन और मायोसिन हेड, ये दो एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थिक लाइन इज मायोसिन और थिन लाइन ये एक्टिन है। सो इसकी बाइंडिंग जो है इनिशियली कम होती है, विद टाइम इट इंक्रीजेस। वाई? बिकॉज जो कैल्शियम है वो रिलीज होके आते कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो लीक जब होगा तो ज्यादा कैल्शियम होगा तो ज्यादा बाइंडिंग शुरू होगी और अल्टीमेटली जो पोस्ट रिगर मॉर्टिस है उसमें क्या, रिगर जब कंप्लीट हो गया तो बाइंड पूरा हो गया, सारे जो एक्टिव मायोसिन हेड है वो पूरे बाइंड हो गए। इसके जो फेजेस हैं, सो पहला फेज है इसे डिले फेज। डिले फेज कितना एरिया टाइम होता है? ये 4 to 6 आवर्स होता है। उस समय बाय दैट टाइम द जो एटीपी होती है उसका जो परसेंटेज है, क्वांटिटी है, दैट रिलीजेस 1/3 to 1/2। वंस इट रिलीजेस टू द हाफ, इट एनहांसेस द completion of rigor mortis. How? This is the diagram. You can see कि ये जो
लोअर पैनल है एक्स एक्सिस, इट इज शोइंग द पोस्ट मॉर्टम यानी कि आफ्टर द डेथ टाइम है। तो पहले रिगर का ऑनसेट होगा, रिगर का कंप्लीशन होगा, रिगर विल बी मेंटेन्ड एंड आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द रिगर फॉर सर्टेन टाइम इट विल रिजोल्यूट स्टार्ट रिजोल्यूशन यानी कि स्टिफ जो बनना चालू होगा ये 4 घंटे से 6 घंटे के बाद से बनना चालू होगा और 24 घंटे तक बन के चालू हो जाता है और फिर 36 घंटे तक बन के रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। सो नेक्स्ट पैनल ऑफ द ग्राफ विल शो 3 different terminologies विच आर यूज फॉर दिस पोस्ट मॉर्टम के टाइम पे। वन इज रिगर मॉर्टिस, अनदर इज एल्गोर मॉर्टिस, अनदर इज लिवर मॉर्टिस एंड वट इज द टाइम ड्यूरेशन। सो नीचे पैनल में आप एक्स एक्सिस में देख सकते हैं टाइम आफ्टर द डेथ इन आवर्स और जो वाई एक्सिस दैट इज शोइंग द टेम्परेचर। नाउ दिस रिगर मॉर्टिस has showing been shown is through this solid line black color. So rigor mortis start होता है 4 hours से शुरू करके, it completes within 8 to 12 hours and it remains into the rigor stages up to 24 hours और 24 hours के बाद it is a resolution phase जो last up to 36 hours। अब आते हैं algor mortis। algor का मतलब होता है कोल्डनेस। सो ह्यूमन के सेंस में बात करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इवन एट दैट मोमेंट ऑफ डेथ, बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स 37 एट द कोर। सो धीरे धीरे ये टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। वो धीरे धीरे क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी की डेथ होती है, फर्स्ट जो डेथ होती है इकट्ठे एक साथ डेथ नहीं होती है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की डेथ अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे होती है। इमीडिएट डेथ जो होती है वो होती है आपकी ब्रेन की, दैट इज फॉलोड बाय द हार्ट, हार्ट के बाद आपके लिवर, किडनी और उसके बाद आपके आईज और अल्टीमेटली आपके मसल्स के डेथ होती है। सो जो मसल्स जहाँ पे मायोग्लोबिन्स होती है, मायोग्लोबिन्स में एटीपी जनरेट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबल ग्लूकोज ब्रेकडाउन विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। सो वो ऑक्सीजन जब एटीपी बनाएंगी तो टेम्परेचर बनता रहेगा। सो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन कितने टाइम तक होगा, इट विल स्टार्ट विद द 2 to 3 hours this temperature will start falling कम होना चालू होगा and it will come to the ambient temperature of this environment। जो जिस environment में वो body रखी हुई है उस body के environment के साथ dead body का temperature भी match करना चालू होगा and it may complete up to 36 hours। अब आते हैं आपका livor mortis। livor mortis is called as a color changes। कलर चेंजेस happens इन the आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स when is oxygenated it remains ब्राइट रेड कलर, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी के मॉलिक्यूल से जो हीमोग्लोबिन है वहां ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाएगी तो उसका कलर विल चेंज टू द पर्पल एंड अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इन टू ब्लू। सो दैट कलर चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस टाइम रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन द ब्लड इज कॉल्ड इज लिवर मॉर्टिस। जो लिवर मॉर्टिस होगा वो अगर किसी की बॉडी फेयर कलर की है तो स्किन के ऊपर भी एक कलर चेंजेस फ्रॉम रेड पर्पल टू ब्लू देख सकते हैं, अगर डार्क है तो खाली ब्लड में ही दिखेगा उसके। एंड बॉडी डिकम्पोजिशन स्टार्ट आफ्टर 12 to 18 hours बिकॉज जो इंटेस्टाइन है इट हार्बर्स लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया ग्रो करना चालू होता है और एनवायरनमेंट का बैक्टीरिया भी आके चालू हो जाते हैं ग्रोथ करना। तो बॉडी का डिकम्पोजिशन होना चालू होता है 18 आवर्स के बाद से। तो जैसे ही डिकम्पोजिशन शुरू होता है रिगर मॉर्टिस भी डिक्लाइन होना चालू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिगर मॉर्टिस। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी सम ऑफ द अनरियलाइज्ड फंक्शंस ऑफ दी मसल्स। जैसे आपके नेक है, आप नेक को सीधे करके रखते हैं ऐसे जब तो भी मसल ही कर रहा होता है और ये क्या कर रहा होता है मसल्स, आप देखो जो ये हेड का पोजीशन है इसका वेट इज अनबैलेंस्ड, एक तरफ इसका वेट ज्यादा है जैसे कि यहाँ पे वेट है ज्यादा इस तरफ, तो इसको ज्यादा मसल्स को टोन बना के रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन कीप योर हेड हाई। सिमिलरली योर सेकेंड क्लास लीवर है, जैसे ये आपके ज्वाइंट्स के हैं, नी ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पे भी आपको एडिशनल फोर्स अप्लाई बनाना पड़ेगा सो दैट जो वेट है उसको आप मेंटेन कर पाए। ये फालक्रम एक एनालॉजी है जिससे कि आप वेट को मेंटेन करते हैं, एनालॉजी बता सकते हैं। सब्बल होता है, जैसे आप पत्थर हटाने के लिए सब्बल लगा के चोट लगाते तो वेट को आप दूर ले जाएंगे तो पावर कम लगेगा, सो वो अप्लाइड फोर्स होता है। इसी तरह आपके नीज में भी आपने देखा आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स भी आपके एल्बो के मूवमेंट के लिए ये मसल्स काम कर रहे होते हैं। सो विद दिस मसल फिजियोलॉजी कम्स टू एट द एंड। थैंक यू सो मच।